हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिज़्ज़ा सार के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिले। और जो न्यू कमर्स है, स्पेशली मैंने आपको बताया जो कबूतर परवरिश में नए हैं, देखिए यार मैं हर वीडियो में कहता होता हूँ कि सीख लें। सीखने का अमल जो है, एक तो हमारे लिए भी कभी ख़त्म नहीं होता, और न्यू वाले उनका टाइम में इतना लगे जितना हमें लग गया है 25 साल कबूतर परवरी के। आप यकीन करें कि आज अगर आप गौर करें ना 25 साल में क्या सीखा है या क्या हुआ, आप चांदे के अलावा आप समझे कि कुछ नहीं, सब टाइम का वेस्टेज, बर्बाद टाइम। कबूतर परवरी दूसरा नाम ही कबूतर टाइम पर बर्बाद किया। मुझे उम्मीद है आप सब रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। रोज़ों को यार इन्जॉय करके खुशी से रखा करें, ताकि इंशाल्लाह अल्लाह के साथ उसी सवाब ही देंगे। ले जी, आज ज़रा वीडियो की तरफ आते हैं। आज ही हमारी वीडियो है गर्म खुराक बनाने की। खुराक मकसद जो नए जो कबूतर परवर हैं वो कह रहे होंगे यार खुराक ही मतलब, यानी कि खुराक ही कोई कोई देसी मुर्गी ही है खुराक, या कोई मच्छी की खुराक, या कोई बकरों की खुराक है। तो खुराक से जहन में यही आता है। असल में यार जो नए देखने वाले हैं, जो नए कबूतर परवर हैं, खुराक मतलब है बादाम की खुराक। खुराक जब नाम लिया जाता है कबूतर की परवरी की। देखें मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि यार अगर किसी को नहीं पता, उसको तो पता चल जाए कि हाँ यार खुराक से क्या मतलब है। जब भी खुराक का जिक्र आएगा, या ठंडी खुराक या गर्म खुराक, आज हमारी वीडियो है जी गर्म खुराक की। इंशाल्लाह अगली वीडियो ठंडी खुराक की बनाएंगे। दोस्तों देखिए, मेरी बात एक याद रखिएगा, हर चीज़ एक इत्तदाल में अच्छी लगती है, उसके अलावा अगर आप करेंगे कबूतर के लिए शदीद नुकसानदेह होती है। देखें आज है गर्म खुराक, आपको बड़े बड़े लोग बताएंगे हाँ यार ऐसे ऐसे ऐसे। देखें एक चंद चीज़ें हैं जो कि बस इत्तदाल में ही की जाए तो अच्छी हैं। गर्म खुराक से पहले मैं आपको जरा पिछली एक वीडियो का आपको व्यू बता दूँ कि जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने एक किया हुआ था, जिसे कहते हैं गर्म पानी का नुकसान। देखिए मेरे कई दोस्त वहाँ पे पूछ रहे थे कि जी गर्म पानी जो है किस सिचुएशन में देते हैं, यानी कि आजकल वो फिर सादा पानी छोड़ दें, कैप्सूल के साथ गर्म पानी देना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है दो तरह के कबूतर होते हैं। एक होते हैं आपने देना सादा पानी के साथ किया, ठीक है। कुछ कबूतर होते हैं कैप्सूल रात लगाया 11 बजे 10 cc या 10 ml सादा पानी दिया, कबूतर को उड़ाया, कबूतर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। मसलन जहां पे वो 9 बजे बैठता था, 6 बजे सुबह पल्ला मारो 9 बजे बैठता था, अगले दिन वो 10-11 बजे वापस आ गया, मतलब 1.5-2 घंटे से ज्यादा प्रवास नहीं बढ़ाई। अच्छा, ऐसे कबूतर को आपने क्या करना है, अगली दफा आपने जब आप वर्ल्ड चैंपियन उसका कैप्सूल लगाए साथ, ये हल्का सा गर्म 10 cc रात को दे के 11 बजे वो ऐसे ही कैप्सूल दे के 11 cc पानी दें और उसको उसकी जगह पे छोड़ दें। सुबह उड़ाने से 15 मिनट पहले उसको 10 cc पानी दे दें और साथ उसके पंजे हल्के से साफ कर लें और फिर उड़ा के देखें। इंशाल्लाह वही कबूतर जो पिछली दफा 1.5-2 घंटे में हुआ था, इस दफा इंशाल्लाह आप देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अब आपको समझ आ गई गर्म पानी देते कैसे। मेरे बड़े दोस्त पूछ रहे थे आपने गर्म पानी बता दिया तो क्या सादा पानी छोड़ दें, सादा पानी ना दें। देखिए यार बताने का मकसद क्या होता है, आपको हमने एक अच्छा स्वाद बनाना है, आपको पता होना चाहिए कबूतर की नेचर। मैं आपके कबूतर तो नहीं ना देख रहा वहां पे आके, मैं सिर्फ अपने कबूतरों से हिसाब लगाता हूँ। हाँ यार मेरे कबूतर इस तरह के हैं, मेरे पास है कबूतर 3-4 ऐसे हैं, जिस वक्त मैं इनको रात कैप्सूल देता हूँ सादा पानी के साथ, सुबह 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पड़ते। अच्छा, जब मैं उनको वही को 3-4 दिनों के बाद या 4-5 दिनों के बाद जब गर्म पानी के साथ कैप्सूल देता हूँ ना, वो कबूतर 3-4 बजे बैठते थे। देखिए ये फर्क है, आपको समझाने का मकसद यही था, गर्म पानी कैप्सूल के साथ हमेशा असर करता है, गर्म पानी खुद असर नहीं करता। ये थी जी पिछली वीडियो, आपको बता दिया कि कुछ कबूतरों को आपने खुद जज करना है। मसलन छोटे बच्चे हैं, रेसर कबूतर हैं, या आपके पट्टी वाले कबूतर हैं, यार ये वर्ल्ड चैंपियन उसका सब कबूतरों के लिए है। कई मेरे दोस्त पूछे थे कि एनू ला ली है, यार सबके लिए है, जिनकी फ्लाइंग है ना उन सबके लिए वर्ल्ड चैंपियन उसका है। और उसको देने का सिर्फ यही आपको मैंने पैटर्न बताया, तरीका बताया, कैप्सूल के साथ आप पहले सादा पानी देके देखें, अगर कबूतर नहीं बढ़ाया परवास नहीं बढ़ाई, साथ ही आप उसको इसको हल्का 10 cc से ज्यादा नहीं गर्म पानी लगाते, और सुबह उड़ाने से पहले सादा पानी लगाते, कभी गर्म पानी लगाते, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है जिनको नहीं समझ आई थी पिछली वीडियो की, अब वो गर्म पानी की अब उनको समझ आ गई। और मेरे वो व्यूवर्स जो कि कह रहे हैं कि जी आपने आज गर्म खुराक बता दी है, ऐसे हैं व्यूवर्स कई, तो जी आपने अभी पिछले तो बताया नहीं है, ओ भाई मेरी पिछली वीडियो देखो। हाँ, और मेरे दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यार, शेयर करें सबके साथ, दोस्तों को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सके। ले जी आज आपको बताते हैं जी गर्म कबूतर की खुराक। हमने आपको नुस्खा बताया, आ गया, अच्छा जी उसके बाद संभाल बताई, संभाल भी हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब संभाल करते हैं तो साथ कबूतर की खुराक बादाम वाली बनाते हैं। अमूमी दो खुराक होती है,
गर्म खुराक, आज का हमारा पॉइंट है जी गर्म खुराक। गर्म खुराक के लिए जी हमें एक तो खुशखबरी की बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम जी कुनाली ले आए हैं। कुनाली कौन सी है देखिए जी ये जी स्पेशली बनवाई है, थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आई है, 3000 रुपए तक बनी है ये, ठीक है। लेकिन इसका एक आपको मैं बताऊं, इस दफा पिछली दफा मैंने आपको देखा होगा वो छोटी छोटी थी, वो छोटी वो बेसिकली वो बादाम कूटने वाली नहीं थी पिछले सीजन में, वो थी वो मेडिसिन कूटने वाली मेडिसिन, वो जो मैं कैप्सूल बनाता था ना उसके अंदर बनाता था, लेकिन उसको हमने बाद में यूज क्यों किया, मैंने वो मंगवाई थी वो दूसरी वाली यार, वो एक दफा इस्तेमाल की वो क्रैक हो गई, फिर मैंने मंगवाई वो फिर क्रैक हो गई, फिर मैंने कहा नहीं यार इस दफा बनवानी है ये देखिए। इस दफा जी मैंने बनवाई है स्पेशल मार्बल वाले से, मार्बल वाले के पास खुद गया हूं जाके उससे कहूं कि ये देखे मोटी है, उसका वेट काफी ज्यादा है। मैं आप कह रहे होंगे ये इतनी बड़ी तो है नहीं है भाई, मैंने क्या करनी है, मेरे पास तकरीबन 50 कबूतर है, मैंने उस हिसाब से बनानी है कि अगर मुझे 15 कबूतरों की भी खुराक बनानी पड़े इसमें इजी बन जाएगी। अच्छा आप एक चीज गौर करें मेरे, मैं देखें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि खुराक बनाने के लिए जरूरी क्या टिप है। आपकी ये जो कुनाली है ना जिसमें आपने बादाम कूट रहे हैं, आप ये देखिए मैंने इसके अंदर कर्विंग बनवाई है, ये देखिए अगर आप देख रहे हो ये लाइनें पड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं लाइनिंग पड़ी हुई है, दंदे दंदेदार लाइनें पड़ी हुई हैं। मकसद क्या है इसका बनवाने का, मैंने खुद उसको कहा है कि यार ये दंदेदार बनानी है, मतलब ये जब आप बादाम इसके अंदर डालें और बादाम को जब कूटे ना तो बादाम कूटने के साथ जब ये साइडों वाली ये जो दंदे है ना जब बादाम पे लगते हैं ना तो वो इजी मुलायम होता है। देखिए दोस्तों आपको समझ आ गई, ये दंदों वाली बनवानी है आपने जब भी, मुलायम नहीं बनानी, कई हो गए जैसे प्लेन मार्बल की कर देंगे प्लेन, नहीं वो नहीं, दंदों वाली आपने लेनी है। मैं इस दफा यार स्पेशली जाके बनवा के लेके आया हूँ ताकि मैंने कहा कि मैं कि यार इस दफा जरा हो, मैंने आपको पहले बताया थोड़ी सी महंगी बनी है, आम जो मिल जाती है वो तो 1000-1200 रुपए की है, ये मुझे 3000 रुपए की, मैंने मार्बल वाले को कहा यार मुझे इस तरह की चाहिए, इतने साइज की चाहिए जिसमें तकरीबन 15 कबूतरों के बादाम इजी बन जाए। इस दंदे वाली में करना क्या आपने, अब आपने देखें दो तरह के आपके होते हैं, एक तो होती है कि जिसकी आप फिरते ले रहे कबूतरों की उसके लिए खुराक बना लें, नहीं तो नॉर्मली हम तकरीबन 100 बादाम तो लाजमी खुराक बनाते ही हैं। अब 100 बादाम की खुराक कैसे बनानी है, देखिए दोस्तों उसको आपने सबसे पहले तो अपने बादामों को रात को भिगोना है, असूल है मेरी बात याद रखिएगा, कि कई लोग मेरे कई दोस्त कहते हैं मेरे कि यार नहीं इसको उबाल लो, उबाल के फटाफट यार रहते एक घंटे के छिले जाते हैं, यार ये तरीका गलत है, देखिए तासीर खत्म हो जाती है बादाम की, ये एक फैक्ट है मेरी बात लिख ले, जिस कबूतर को रात को भिगोया जाएगा वो सुबह के टाइम जब आप उसको छीलेंगे उसकी तासीर जो है वो एकदम मौतदिल हो जाती है। बादाम बेसिकली गर्म होता है, ये ड्राई फ्रूट में आता है गर्म है। अब आपने क्या करना है, रात को आपने 100 बादाम भिगो देने हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी अगर बाजियों में विन करना है, क्योंकि एहतियात दो तरह की है। रात को आपने बादाम भिगोए, आपने 100 बादाम भिगो दिया, 100 बादाम सुबह आपने छील लिया, अब छीलने के बाद जो खाली बादाम है उनको चखना भी है। देखिए यार मैं ये नहीं कहता, दो तीन तरह के बादाम होते हैं बाजार से मिलते हैं, एक होते हैं काठा बादाम, काठा बादाम सस्ता है 1500 रुपए या 2000 रुपए का किलो मिल जाता है, जिसको छीलना पड़ता है वो हाथों के नाल टक टक लगे लो जी हो, ठीक है उसमें से ऑयल बहुत अच्छा निकलता है, असल चीज ही ऑयल है जो कबूतरों को पहुंचानी होती है। अच्छा दूसरी बात, फिर एक ईरानी गिरी मिलती है, फिर एक अमेरिकन गिरी मिलती है, यार वो बड़े बड़े महंगे हैं, वो तकरीबन 4000-4500 रुपए से भी ऊपर का है, महंगा है, ठीक है। अच्छा मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं काठा बादाम नहीं लेता, मैं ईरानी गिरी ले लेता हूँ, ईरानी गिरी तकरीबन मेरे ख्याल है कुछ 3500-800 के दरमियान किलो है, उसका ऑयल भी अच्छा निकलता है, याद रखिएगा अमेरिकन गिरी जो है वो मोटी है लंबी है उसका इतना अच्छा नहीं ऑयल निकलता। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें ताकि आपके नॉलेज में हो, आपके नॉलेज में हो। ये 3-4 कैटेगरी थी, मैं ईरानी बादाम लेता हूँ। अच्छा ईरानी बादाम से अब करना क्या है, 100 बादाम मैंने रात को भिगो दिए, रात को भिगोए सुबह मैंने छील दिए, छील के उनका हल्के से ना टुकके वो है उसको हम चेक कर लेते हैं ये मीठा है कि नहीं है। अच्छा वो आपने इसमें डाल दिया, जो मीठे वाले थे कड़वे वाले साइड पे करते हैं, अगर कड़वा बादाम खुराक के अंदर हुआ तो याद रखिएगा सारी खुराक आपकी बर्बाद हो गई, कबूतर आपकी परवाज छोड़ देगा, इतना खतरनाक मरल आता है अगर आप उसके अंदर नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब आप उसको छील लिया वो मरहला खत्म हो गया आपका, अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको अंदर बादाम डाल के हल्का हल्का कूटना शुरू कर देना, ठीक है। अब आप कूटने शुरू कर देंगे जिस वक्त वो बिल्कुल मुलायम शेप में आ जाए। बादाम कबूतर की याद रखिएगा खुराक जो है ना कभी वो दानेदार नहीं होनी चाहिए,
मैं देखिए यार जो उस्ताद हजरात है या जिनकी शिगिर्दी है मैं वो तो कहते हो गए आए थे सानू भी पता है और यार सबको पता है बिल्कुल ये बात सबको पता है लेकिन जो नए देखने वाले जिनकी उस्ताद शिगिर्दी नहीं है जिनको पॉइंट बताने वाला कोई नहीं है मैं उनको असल में उनसे मुखातब होता हूँ कि यार वो देखिए ये पॉइंट बादाम की खुराक जब आपने कूटनी है तब तक आपने उसको कूटना है जब तक वो बिल्कुल मुलायम लेवी ना हो जाए बिल्कूल मुलायम लेवी ना हो जाए ठीक है जर्रेदार हुए तो समझे वो बादाम अभी खुराक तैयार नहीं हुई है आपने इसको तैयार कर लेना है तैयार करके आपने 100 उसको बादाम को निकाल लेना है बादाम को निकाल के आपने उसको ना पेड़ा बना लेना है ठीक है अब आपने क्या करना है उसके अंदर आपने 100 बादाम के अंदर मेरी बात सुन ले 100 बादाम के अंदर आपने 4 मनक्के डालने हैं ठीक है 4 मनक्के बीज निकाल देने हैं स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं मनक्के का एक बात आप सुन ले सारे मेरे दोस्त मैं फिर बता दूं आपको ठीक है मनक्के का भी यही हो सकता है मनक्के का आप जो है जब उसका वो बीज निकालेंगे मनक्का छोटा सा रह जाएगा मनक्का होता क्या है अंगूर का कजन अंगूर का कजन होता है ड्राई करके जो अंगूर होता है ना ड्राई हुआ हुआ जो ड्राई फ्रूट्स में आता है वो मनक्का कहलाता है ठीक है ड्राई अंगूर ग्रेप्स जो होता है ड्राई हुआ हुआ ग्रेप्स जो होते हैं उसको मनक्का कहते हैं हर स्टोर से हर जगह से मिल जाता है आपको इजी 4 मनक्के आपने लेके उनके बीज निकाल देने अंदर से ठीक है जब आपने उनके बीज निकाल दिए आपने इसमें डाल दिया फिर आपने उसको कूट लेना है खाली ठीक है पेड़ा निकाल के आपने वो निकाल देना बादाम का खाली उसमें से ऐसे से कूट लेना है वो आधा कुनाली में नीचे बेस पे लग जाएगा ये देखें जब आप उसको कूटेंगे ना वो आधा इसके नीचे लग जाएगा सारा यानी कि चिपक जाएगा इसके साथ कोई बात नहीं कोई आपने परेशान नहीं होना आपने इसको आराम से इसको लेवी कर लेना है जितना वो उसमें पावे पे लगा होगा फिर आपने वो बादाम का पेड़ा पकड़ के इसके ऊपर रखना है और इसको दोबारा से आपने इसको क्रश करना शुरू कर देना है जब आपने इसको क्रश कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है सिर्फ छोटी सी बड़ी इलायची मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लें सब्ज इलायची की बात नहीं मैं कर रहा गरम होती है बड़ी इलायची काले रंग की होती है ना एक मोटी सी उसके आपने 100 बादाम के अंदर गिन के सिर्फ 10 दाने डालने हैं मेरी बात सुन लें ये ना हो वो बड़ी इलायची दे पूरा कड़े दान से क्रिच किता तो लो जी वो पूरे दाने कटे सारे दाने आपने उसके बीच में डाल के रगड़ दिए क्योंकि हम पता क्या करते हैं हमारा हाथ बड़ा होता खुला होता है उस आदमी ने हमें बताया था और यार एक इलायची पा दे खैर है देखी जाएगी परा मरे देखी जाएगी लेकिन उसको ये नहीं पता होता बाद में उसको साइड इफेक्ट अगर निकलता कबूतर गर्म हो जाएगा ज्यादा आपने इस कबूतर को ज्यादा देखिए यार हर काम मौतदिल अच्छा है हर काम लिमिट का अच्छा है ठीक है आपने उसके 10 दाने सिर्फ बड़ी इलायची के मैं आपको बता रहा हूँ कबूतर खुर जाता है इससे भी खुर जाता है ज्यादा डालेंगे खुरने से मतलब क्या होता है कबूतर एकदम ना गर्मी कर जाता है और कबूतर की अपने ढीला पड़ जाता है ये खुराक जो है ना गर्म पानी की गर्म जो खुराक बना रहे हैं बादाम की ये सदाबहार खुराक है ठीक है यानी कि आप मेजोरिटी मौसम में यही देते हैं ठंडी का अगली बताऊंगा ठंडी किस तरह करना है अच्छा आपने 10 दाने से बड़ी इलायची के लेके उसी मनक्के के साथ दोबारा उसको दातर कर देना यानी कि दातर मतलब पीस देना है अच्छी तरह ग्राइंड कर देना है फिर पेड़ा रख के उसके ऊपर वो जो बादाम का आपने पेड़ा बनाया था आप इन दोनों चीजों पे रख के उसको दोबारा करके अच्छी तरह स्मैश कर देना कि बिल्कुल वो लेवी बन के साथ उसके जितना आता कोई बात नहीं आप उसको कर लें उसके बाद आप पेड़े को अच्छी तरह उसके अंदर ऐसे फेर के ताकि उसका जो लिक्विड है सारा उसके साथ लग जाए तो पेड़ा बना ले पेड़ा बना के आपने क्या करना है देखें मेरे सब दोस्त एक्सपर्ट नहीं है वो आप बड़े बड़े उस्तादों को देखते होंगे कि वो एडी बड़ी गोली बना रहे हैं ये आपके इंची इंची से बड़ी गोली वो लंबी लंबी गोलियां बना लेते हैं बादामों की वो खिला रहे होते हैं बाद में देखो यार आप नहीं खिला सकते वो गोली उसका ट्रिक है उसका एक तरीकाकार है वो आप नहीं कर सकते इसलिए आप उस पंगों में मत पड़ना आपको जो मैं बता रहा हूँ आप चने से साइज से बड़ी बड़ी गोलियां बना लें जो आप आराम से खिला सके और कबूतर की गर्दन देखें मेजोरिटी दोस्त पता क्या करते हैं गर्दन ही छील देते हैं गर्दन छीली गई तो कबूतर बेकार हो गया कबूतर परवाह छोड़ देगा यार इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है पर बाजी में ये मेरे पास याद रखिएगा आपको समझ आ गई उसकी आपने छोटी छोटी चने से मोटी मोटी गोलियां बना ले ज्यादा बना ले मैं तो उस तरह बनाता हूँ कबूतर आराम से उसको पता चल जाता है पहली से दूसरी दफा कबूतर तंग करता है उसके बाद कबूतर पता क्या हाथ में पकड़ेंगे ना कबूतर खुद मुंह खोल लेगा चल भी खोआ क्योंकि कबूतर इतना आदि हो जाता है अच्छा अब यहाँ पे सवाल ये है कि खुराक शुरू कब कर दें कबूतर का पता कैसे चलेगा कबूतर के जब आपने पल्ले मारने शुरू किए लो जी आज हमारे कबूतर इंशाल्लाह 44 डेज के हो गए एक दिन और रह गया कल इंशाल्लाह इनको कलर कूलर लगा के और फिर इनको छोड़ना शुरू करेंगे बाहर कबूतर को खुराक शुरू कब करते हैं जब आप कबूतर को पल्ले मारते ना कबूतर मसलन 2-3 घंटे फिर के आया है आके बैठा है मुंह खोल लिया उसने जब वो ऐसे सब करता है ना ऐसे मुंह खोल के सांस लेते हैं और ऐसे हाँ भरा होता है उस वक्त उसको खुराक नहीं दे रही चाहे वो 12 बजे बैठ जाए
खुराक इस वक्त शुरू करते हैं, खुराक देते हैं उस कबूतर को जब कबूतर रवा हो जाता है, मारा पल्ला कबूतर आके बैठा है, बेशक ऐसे करके अपने पर छोड़ के बैठ गया, मुंह नहीं खोला उसने और ऐसे बैठ गया, समझे उस वक्त कबूतर को खुराक की जरूरत है। मेरी बात सुन ले पहले, आपने 6 बजे पल्ला मारा, कबूतर 12 बजे बैठा आके हांप रहा है, ऐसे ऐसे करके तुसी कहोगे ओए ओए कबूतर ने बड़ी परवास करके आ गया, हुण ते कबूतर नूं बदाम वाड़ दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदाम नहीं देने उसको, उस वक्त उसको आराम से बैठा रहने दे, कोई बात नहीं, उसको अंदर दे दाना नॉर्मल डाले इसको और फिर इसको पल्ला मारे, जब तक वो रवा हो के कबूतर अपना मुंह बंद ना ना कर ले तब तक आपने उसको ये बादाम नहीं लगाने, जिस वक्त वो बंद मुंह करके बैठे तब बादाम लगाने शुरू करने हैं और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक 10 छोटी गोलियां 10 से शुरू करें, 15-20 तक ले जाए, मैं 20 तक खिलाता होता हूँ। उसके बाद आपने लौंग और हल्दी वाला दूध देना है क्रिच, और ये थी जी कबूतर की गर्म खुराक तैयार होगी। कबूतर को ऐसे करके आपने छोड़ देना है। खुराक किस दिन देते हैं, मैं जिस कबूतर उड़ के आता है उस दिन मैं खुराक नहीं देता, आपको बताया, संभाल करता हूँ उसकी और हल्के से देसी घी के बोरे और साथ हल्का सा कनक और बाजरा मिक्स करके दे देता हूँ ताकि वो अपना वेट बहाल कर ले। अगले दिन जब रेस्ट होती है तब मैं खुराक सुबह के वक्त उनको 9 बजे मेरा टाइम है, मैं खुराक का पेड़ा बनाता है, वो आसिफ जो है वो बना देते हैं उसकी गोलियां वगैरह, हमने कबूतर को पकड़ना है, मुंह खोलना है, 10-15 लगा के साथ हल्दी और दूध लगा के इसको धूप में छोड़ देना है। ये था जी खुराक का तरीका कि गर्म खुराक कैसे देनी है। वाइंड अप कर दूं, 100 बादाम 4 मनक्के बीज निकाल के पहले उसको खुराक बना लेनी है, बादाम कूट लेने हैं, लेवी करके उसका पेड़ा बाहर निकाल लेना है, फिर उसके अंदर आपने 4 मनक्के रख के अच्छी तरह दातर कर देने, कुनाली इस पर लग भी जाए, इसके चारों तरफ लग जाए, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, लगा रहने दे उसको। उसके बाद 10 दाने भड़ी इलायची, बस मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं करने, अगर मोटे बहुत ज़्यादा दाने हैं तो बेशक 7-8 कर दें, कम कर दें, ज़्यादा नहीं करने आपने, उसी के अंदर जब मनक्के के अंदर डाल के उसको भी ऐसे कर दें, उसका पता भी नहीं चलेगा, वो इधर उधर लग जाएंगे, कोई बात नहीं है, बस इतनी चाहिए होती है। खुराक का पेड़ा बाद में इसके अंदर आके मुलायम करके बाहर निकाल के वो बना के, तो जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह कबूतर को लगा दे। जिस दिन रेस्ट होती है कबूतर की मैं उस दिन लगाता हूँ कबूतर को रेस्ट पे, 15 या 20 गोलियां लगा के साथ मैं उसको हल्दी लौंग वाला दूध 20 cc या 20 ml, कई मेरे दोस्त पाकिस्तान से बाहर 20 ml कहते हैं, सुन ले 20 ml देते हैं जब कबूतर की रेस्ट होती है, उसको दे के आप धूप में छोड़ दें, ले इंशाल्लाह कबूतर कभी हड्डी नहीं निकालेगा परवास के दौरान, कभी सोका नहीं आएगा और वो हल्का भी नहीं होगा, वेट भी नहीं करेगा, ये बेस्ट तरीका है। ले जी ये थी जी वीडियो। यहाँ पे एक मेरे जिस व्यूवर काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे थे, आप हल्दी पे बड़ा जोर देते हैं, फैक्ट क्या है हल्दी का, लो आज मेरी आप बात लिख लें, पल्ले बांध लें, हल्दी का सबसे अच्छा फायदा, कबूतर जो पल्ले मार मार के जो स्वेलिंग होती है ना कबूतर की, जो सूजन आ जाती है, हल्दी सबसे ज्यादा क्योर सूजन को करती है। मेरी बात याद रखिएगा यार, ये रेमेडीज जो है ना ये बड़ी जबरदस्त है, हल्दी की स्पेशली, हल्दी जो है आप यकीन करें इतनी इफेक्टिव है, अंग्रेज पता क्या करते हैं दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी का डाल के छोटा वो पीते हैं और उसको कहते हैं गोल्डन मिल्क है, और हमारे यहाँ पे कहने उल्टी आ गई, देखते ही उल्टी आ गई, देखिए कितना फर्क है, वो अंग्रेज फायदा उठा रहे, गोल्डन मिल्क कह रहे हैं कि इससे ज्यादा अच्छी कोई चीज ही नहीं है उसकी थकावट उतारने के लिए, तो कबूतर बेचारे को भी हम यही देते हैं। अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक और बात, हल्दी आप पानी में मिला के देंगे उल्टा असर होगा, कभी भी नहीं होगा, कबूतर असर नहीं लेगा उसका, बल्कि उल्टा असर हो जाएगा, कबूतर दाना फेंकना शुरू कर देगा। क्यों? हमेशा याद रखिएगा गरम जो चीज देते हैं, मसलन मैं लौंग देता हूँ, कभी मैंने आपको कहा पानी में डाल के दे, नहीं, कभी मैंने आपको कहा कि आप ये मनक्का जो है ये इसको पानी के साथ दे दे, कभी नहीं। याद रखिएगा गरम चीज जिसको पानी के साथ देंगे उसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो उसको और गर्म करके कबूतर गिर जाएगा, फिर आप कहेंगे जी नुस्खे दे बीचे कैसे पूछे, नहीं, आपने दूध एक वाही चीज है जो हर गर्म चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, उसकी गर्माइश को खींच लेता है और वो कबूतर को सिर्फ ताकत मिलती है, हल्दी इसलिए दूध में डाल देते हैं, नहीं तो हल्दी बड़ी गर्म होती है, आप पानी के साथ देंगे ना कबूतर उल्टियां करने लग जाएगा, देख लें। अच्छा ये जी होगी बात, जी आपको मैंने बता दिया कि हल्दी के क्या फायदे थे, हल्दी कबूतर की स्वेलिंग कम करती है, परवास के दौरान भी मैं अक्सर कहता हूँ आपको, मसलन जब फिरते ले रहे होते हैं मैं कहता हूँ आपसे 20 cc, यार जिस दिन रेस्ट हो 20 cc लाजमी दूध दोस्त को, 1 कप दूध के अंदर 5 लौंग, मसलन 1 कप पाव का है, 5 लौंग आपने तोड़ के 2 डंडियां दोनों डाल देनी है उसके बीच में, 5 लौंग और 1 छोटा चम्मच हल्दी का बुल्ले, लेकिन वो बाद में डालना है, पहले 1 पाव दूध को 5 लौंग डाल के उबाल लेना है, ठंडा जब हो जाए ठंडा करके उसको 1 चम्मच हल्दी का मिक्स करके 20 cc सब कबूतर को दें, परवाह जब फिरते होती हैं कबूतर आपके इंशाल्लाह ऐसे फिरते जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये आखिरी बात जो रह गई, लेची वो दिन आ गए हैं, अब फिरतों के देखें यूनिफॉर्म वापस आ गया तो
दोबारा आ गए हैं और कोट कूट लत गए थे, अज गर्मी बड़ी शदीद जी मैं कह रहा, अज लग पता गया अज वाकई गर्मी है। तो इंशाल्लाह जी कबूतर भी हमारे तैयार है, बाजियां बैसाखी मेरी बैसाखी है भाई रोजों के बाद, उससे पहले की नहीं है। तो उ दिन आने लगे जेड़ा मैं दसन लगा सी कबूतर परवर के लिए, काले मुँह तो नीले पैर मेरे कबूतर परवर हजरात जिन्हों के विह यह जी सर्दी गई है नहीं हो, इंशाल्लाह अगली भी नहीं होनी है, फिक्र ना करो क्योंकि रंग यहोजे होने जिन्हें आना है उन्हें कहना है भाई ऐसा जाके ना कोई तरह इनू कोई छड़ के आओ किसी पार्लर से, कोई यह कोई महीना लाए उत्थे जाके कोई शक्ल अपनी सही करे तो ये जो शक्ल थोड़ी बहुत सही हुई थी तो मुझे लग रहा है अब ये वही मेरा हाल होने वाला है, इसलिए को दिल बर्दाश्त नहीं होना। मेरी बात सुन लो, जो कबूतर बार बार काला स्या रंग हो गया फिर क्या हो गया, चलो फिर क्या हो गया, दिल पे ले ली ना तो दिल तो ला ली तो दिल ने उत्ते लै गया ना जे, तो कबूतर मैं की दस्या है कबूतर जाने शागिर्दां दे कोल ले, इसलिए नो कोई परेशानी लेनी कोई बात नहीं यार, काला रंग हो गया इंशाल्लाह मेकअप का समान भी दसांगा केड़ा लाइदा है अपना बड़ा ख्याल रखे। ये तो जी गर्म खुराक आपको मजाक से यार सास कर देता हूँ, लेकिन ये है कि अगली इंशाल्लाह बनाएंगे ठंडी खुराक किस तरह बनानी है, अपना बड़ा ख्याल रखे हमारे साथ रहे। मैं शुजात कुरैशी आपका होस्ट भी लॉगर पिंजर साहब के साथ, सब्सक्राइब करो यार हमें और सारे दोस्तों के साथ शेयर करो यार, देखिए सबका फायदा, कर भला सो हो भला, अल्लाह हाफिज़।